नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सरकार, आपका दोस्त, आपका हमदर्द, स्वागत करता हूं ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन के इस तीसरे वीडियो में, जिसका शीर्षक है हाउ टू कीप सेफ फ्रॉम पेस्टिसाइड, यानी पेस्टिसाइड से खुद का बचाव कैसे करें। पेस्टिसाइड और उससे होने वाली खतरनाक और जानलेवा रोगों के बारे में विस्तार से जानने के लिए ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन की पहली वीडियो जरूर देखें। पिछली वीडियो पेस्टिसाइड फ्री फार्मिंग इंडिया में हमने इसके स्थायी हल के बारे में जाना था। आइए अब जानते हैं कि वो कौन से मुख्य स्टेप्स हैं जिससे हम अपने आहार और घर को पेस्टिसाइड से होने वाले दुष्प्रभाव से बचा सकते हैं। पहले स्टेप में मैं बात करूंगा कि फलों और सब्जियों से पेस्टिसाइड को कैसे हटाएं या उनकी मात्रा को बहुत कम कैसे कर सकते हैं। तो पहला विधि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है नेचुरल विनेगर वॉश। एक बड़े बाउल में 80% पानी और 20% व्हाइट विनेगर मिला दें। फिर उसमें फलों या सब्जियों को डुबोकर 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद फलों या सब्जियों को निकालकर ताजे पानी से धुल लें, क्योंकि स्टडीज बताती है कि मात्र पानी भर से धुल लेने से पेस्टिसाइड साफ नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि पेस्टिसाइड ऑयल बेस होता है, क्योंकि यदि ये ऑयल बेस नहीं होगा तो किसानों को हर बार बारिश पड़ने के बाद पेस्टिसाइड का छिड़काव बार बार करना पड़ता। इसलिए ये मात्र पानी भर से साफ नहीं हो सकता। जैसे आपके किचन में ऑयली बर्तन, डिश वॉशर या लिक्विड डिश वॉश के बिना साफ नहीं हो सकते, लेकिन नेचुरल विनेगर वॉश से मैक्सिमम पेस्टिसाइड हट जाता है। इस तरीके का दूसरा बड़ा फायदा ये भी है कि इससे बैक्टीरिया भी साफ हो जाता है। और हाँ, बेफिक्र रहें, आपके फलों और सब्जियों के स्वाद में विनेगर की खुशबू भी नहीं आएगी। हाँ, आपको कुछ फल बेहद सावधानी से धुलने पड़ेंगे, जैसे बेरीज और पतले छिलके वाले फल। इसके अलावा आप फलों और सब्जियों को थोड़े समय के लिए गुनगुने पानी में भी रख सकते हैं। पीलिंग यानी छिलका उतार कर भी पेस्टिसाइड की मात्रा को बेहद कम कर सकते हैं। नॉनवेज खाने वाले विशेष रूप से ध्यान दें, नॉनवेज कोई सा भी हो, उसमें से एक्सेस फैट और स्किन को पूरी तरह से हटाकर ही उसे पकाएं, क्योंकि फैट और स्किन में पेस्टिसाइड की मात्रा होनी संभव है। इसके अलावा यदि आपके पास बैकयार्ड है या कोई छोटा सा प्लॉट है, तो उसमें भी आप काफी सारा खाद्य पदार्थ अपने खाने के लिए उगा सकते हैं। और यही कारण है कि किचन गार्डन का प्रचलन भी अब बहुत जोर पकड़ रहा है। इसके बाद घर और गार्डन में कीड़ों और मच्छरों को मारने के लिए नॉन टॉक्सिक तरीकों का इस्तेमाल करें। इसके बाद एक बेहद जरूरी बात, घर के अंदर जूता उतार कर ही प्रवेश करें, और घर के फ्लोर, बर्तन धुलने, कपड़े धुलने और लैट्रिन बाथरूम आदि की साफ सफाई भी हर्बल तरीकों से ही करें, खास तौर से जब छोटे बच्चे घर में हो। इसके अलावा नेसेसरी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशंस वाले ऑर्गेनिक फूड्स का ज्यादातर इस्तेमाल करें। ये थोड़े से महंगे जरूर होते हैं, लेकिन इलाज से तो बेहतर बचाव ही होता है। अगली वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक फूड्स, इसकी पहचान, इसके सर्टिफिकेशंस, अवेलेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जुड़े रहें अपने इस दोस्त के साथ और ध्यान दें, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी तरह हर स्वाद को भाने वाली चीज पोषक नहीं होती। इसी के साथ मैं अमित सरकार आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।